हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल एक्सप्लोरिंग अनसीन वंस अगेन। और अब की बार मैं आया हूँ आपके साथ यमुनोत्री की ट्रिप पर। तो इट्स 6:30 इन द मॉर्निंग और अभी हम निकल चुके हैं यमुनोत्री के लिए। और हम हैं यहाँ पर अभी लांगा रोड पे, जो कि विकास नगर से पहले, और यहाँ से करीबन 4 से 5 घंटे का रास्ता और है यमुनोत्री का। तो चलते रहते हैं, इंजॉय करते हैं, बाकी मिलो मेरे दोस्तों से जो आज हैं हमारे साथ इस ट्रिप में, मेरे कंपेनियंस। तो ऑल सेट भाई, तो चलो चलो फालतू टाइम ना वेस्ट करते हुए ट्रिप स्टार्ट करते हैं। ट्रिप तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, मतलब रास्ता कवर करते हैं, वहाँ पर अच्छे से रूम देखेंगे, फुल सेट मज़े करेंगे। और कल यमुनोत्री का छोटा सा ट्रैक है, फिर मंदिर है, मंदिर में दर्शन करके अगले दिन मोस्ट प्रोबेबली संडे रात को वापसी या फिर मंडे अर्ली मॉर्निंग वापसी। तो बाकी आगे मैं दिखाता रहूँगा कैसे कैसे सिनेरियो है और कैसा कैसा रास्ता है। तो चलते रहिए, इंजॉय करते हैं। तो टाटा फॉर नाउ। चलो मैन, कम ऑन, तो फिर दोस्तों अभी हम लोग पहुंच चुके हैं कटा पत्थर से थोड़ा सा आगे। हम जैसे कि विकास नगर की तरफ से आ रहे हैं और हम जाएंगे मसूरी की तरफ से वापस। तो भाई व्यू बहुत ही अल्टीमेट है, पहाड़ एंड रिवर इज़ अ डेडली कॉम्बिनेशन। तो देखो बहुत ही अल्टीमेट है। तो अभी हम लोग रुके हैं ब्रेकफास्ट वगैरह करने के लिए, बिकॉज सुबह सुबह के निकले में अभी तक कुछ खाया नहीं है, 8 बज गए। तो अभी जब हमने विकास नगर से यमुनोत्री के लिए मोड़ लिया था, तो उसके बाद हमें अब जाके एक रेस्टोरेंट दिखाया है, रेस्टोरेंट का एक छोटा सा ढाबा है, जहाँ रुकते हैं, फटाफट नाश्ता करते हैं और उसके बाद आगे निकलेंगे। बाकी देखो मेरे पीछे बहुत ही प्यारा छोटा सा फॉल है और भाई लोग मेरे हाथ भी धो रहे हैं। भाई हाथ मुँह सब धो ले यार, नहा लियो यहीं पर ही, घर से तो नहा नहीं, यहीं नहा लियो भाई, फ्रेश वाटर। दिल्ली वाले हैं यार, फ्रेश वाटर चाहिए होता है इन्हें, वैसे तो पॉल्यूटेड है इनकी जिंदगी पूरी। इसमें भी काई लग रही है। भाई ये काई लाभदायक है, इट्स गुड फॉर हेल्थ। तो चलो यार, ये रहा ढाबा जहाँ पर हम खाना खाने वाले, और फटाफट नाश्ता करते हैं और उसके बाद हम लोग निकलेंगे आगे। भाई जी कुछ भी खिला दो यार, फटाफट खिला दो। ज़ूम करता हूँ, ये रहा हमारा आज का मेन्यू, चाय, चाय स्पेशल, कॉफी, मैगी, चाउमीन, बाकी पढ़ लो यार, बहुत हिंदी लिखी है, बहुत ज्यादा हिंदी लिखी है। तो फिर आ गया हमारा ब्रेकफास्ट फॉर टुडे, मैगी। तो भाई कैसी है मैगी? मजेदार। मजेदार, मस्त, बिल्कुल मस्त। तो और दूसरी चीज क्या आ रही है हमारी? बन ऑमलेट। बन खत्म है, बन खत्म है, बन खत्म है, सिर्फ ऑमलेट, खाली ऑमलेट। चलो भाई, तो इस मैगी और बन ऑमलेट के साथ, ऑमलेट मैगी और ऑमलेट के साथ तो फटाफट खाते हैं यार, चलते हैं फिर आते हैं। तो फिर अभी हम लोग पहुंच चुके हैं बरकोट से थोड़ा सा आगे, अराउंड 5 to 6 kilometers, और अभी यहाँ से है 30 किलोमीटर हनुमान चट्टी। तो चलते हैं,
बाकी आज ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है क्योंकि कपाट जस्ट अभी खुले हैं, कुछ दिन पहले ही अराउंड 3rd of May को खुले हैं, तो उस वजह से ऊपर रहने की समस्या हो सकती है। तो जब आ रहे हैं तो थोड़ा बहुत पता करके आए। नीचे में पुलिस वाले ने रोक दिया था कि अभी आज नहीं जाइए, शायद मुश्किल हो सकता है आपको जगह मिलना, बट हम किस तरीके से मैनेज करके थोड़ा ऊपर आ गए हैं, बट आगे शायद से पॉसिबल हो जाए जाना। बाकी रास्ता हर जगह पे इन कंस्ट्रक्शन है तो उस वजह से बीच बीच में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा ड्राइव करना या राइड करना, तो देखभाल क्या है। बाकी भाई लोगों कैसा रहा एक्सपीरियंस, ये लो हमारे भाई लोगों से पूछो। बहुत बढ़िया, अभी तक रास्ता सही है। ये तो दिल्ली वाला है यार, इसे अच्छा ही लगेगा वैसे, उत्तराखंड वाले बताएगा। नहीं अच्छा नहीं है रास्ता, सब टूटा पड़ा है। नहीं, एक्साइटेड पहुंचने के लिए, बस देख रहे हैं कि कैसा है, वेदर भी अच्छा हो रहा है, बाकी होप फॉर द बेस्ट कि रहने का मिल जाए और सब सही हो। मिल जाएगा यार, बी पॉजिटिव मिल जाएगा, बी पॉजिटिव यार, वैसे भी हमेशा बी पॉजिटिव ही होता है यार। ब्लड ग्रुप कौन सा है? ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, चलो कोई नहीं, पॉजिटिव तो आ ही रहा है। चलो फिर भाई लोगों पहुंचते हैं अब आगे फटाफट, और फिर कल हमें जाना भी है ट्रैक करने के लिए और यमुनोत्री में भगवान जी के दर्शन करने के लिए, तो चलो फिर कंटिन्यू। तो फिर अभी हम लोग हैं फूल चट्टी से थोड़ा सा आगे, और जैसे कि मैंने बताया था ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, रश बहुत ज़्यादा है, तो हम अभी से रूम वगैरह या अकोमोडेशन वगैरह देखना स्टार्ट कर रहे हैं। और जैसे कि हम बात कर रहे थे कि हमें जानकी चट्टी तक जाना है, तो सबसे पहले आता है हमारा रानी चट्टी, और रानी चट्टी के बाद आता है हमारा हनुमान चट्टी, हनुमान चट्टी के बाद आता है हमारा फूल चट्टी, फूल चट्टी के बाद जानकी चट्टी। तो जानकी चट्टी इज़ द लास्ट पॉइंट वेयर यू कैन पार्क योर व्हीकल, और आफ्टर दैट आपको पैदल ट्रैक करना है यमुनोत्री मंदिर जाने के लिए। तो अभी हम लोग यहाँ से जैसे मैंने रूम सर्च कर रहे हैं, तो रूम मिलता है तो वहाँ इन्जॉय करेंगे। बाकी व्यू बहुत ही ऑसम है, हवा बहुत प्यारी और बहुत ठंडी चल रही है, बहुत ही अच्छी फील आ रही है यार। मैं बाकी आपको दिखाता हूँ व्यू, बहुत ही अल्टीमेट है, मज़ा बहुत आ रहा है भाई लोगों। सो इफ़ यू आर विजिटिंग, जस्ट बी अवेयर कि ट्रैफिक कैसा है, आपको रूम मिलेगा या नहीं मिलेगा या कहाँ पर मिलेगा, तो उस हिसाब से आप पहले से प्लान आउट करके चले या रास्ते में पता करते हुए चले। बारकोड से आप पता कर सकते हैं कि आपको ऊपर मतलब किस हिसाब से लोग जा रहे हैं और आपको कहाँ पर रूम मिल सकता है, तो वैसे हमने भी करा है, आई सजेस्ट यू द सेम। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ व्यू, बहुत ही अल्टीमेट है। बाकी चलते रहे हमारे साथ, कल हम करेंगे ट्रैक की शुरुआत। बाकी अभी हम देखते रूम, चलो बाय बाय। तो फिर दोस्तों अभी हम लोग पहुंच चुके हैं जानकी चट्टी, तो जैसा कि मैंने बोला था कंजेशन बहुत ज़्यादा है, यात्री बहुत ज़्यादा तादाद में आज अवेलेबल हैं बिकॉज ऑफ वीकेंड एज वेल। तो अभी हमें यहाँ पर एक चौहान होटल एक जगह है जहाँ पर हमने रूम फाइनलाइज करा है, मतलब फाइनलाइज क्या करा है, हमारे पास ऑप्शंस नहीं थे तो हमें फाइनलाइज करना पड़ा। रूम ठीक ठाक है, मैनेजेबल है एक नाइट के लिए, बाकी यहाँ से व्यू बहुत अच्छा है, रूम की कॉस्ट भी रीज़नेबल ही है, अराउंड 1300 जो हमें पड़ा है। 4-bedded रूम है, लाइक 2 double bed है, 4 occupancy का है, तो कोई आपको इशू नहीं आएगा। बाकी यहाँ से व्यू बहुत ऑसम है, मैं आपको व्यू भी दिखाता हूँ और साथ में रूम भी दिखाता हूँ, तो चलिए फिर मेरे साथ। जैसा कि ये हमारा रूम है, तो 2 double bed है, 4 occupancy,
और वॉशरूम इज ऑल्सो क्लीन, सो नाइस प्लेस टू स्टे। बाकी ठीक है यार, एक रात काटना है, कल सुबह ट्रैक पे निकलना है, तो 3 घंटे का राउंड ट्रैक है, 2 घंटे चढ़ना है, 1 घंटे उतरना है, 1 घंटे वहाँ पे टाइम काटना, तो फटाफट टाइम काटते हैं और उसके बाद इन्जॉय करते हैं। बाकी मैं आपको आगे ट्रैक की जर्नी भी शो करूँगा साथ साथ, तो चलते रहिए, इन्जॉय करते हैं, मज़े करते हैं, बाकी मिलते हैं आपसे सुबह ट्रैक पर। बाय बाय फॉर नाउ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो फिर जैसा कि मैंने कल बोला था कि सुबह हम ट्रैक स्टार्ट करेंगे यमुनोत्री का, तो सुबह हो चुकी है, अभी 6:15 हो चुके हैं, तो वी आर ऑल सेट रेडी पैक्ड, सामान डालते हैं गाड़ी में और उसके बाद एक छोटा सा सोलो बैग लेके ट्रैकिंग स्टार्ट करते हैं। बाकी सुबह का व्यू भी बहुत ही ऑसम है यार, बहुत ही ऑसम, मैं दिखाता हूँ आपको व्यू। बाकी ये देखिए मेरे भाई लोग हो चुके हैं तैयार, बिल्कुल भाई, क्रीमे क्रूमे लगा दी पूरी, हाथ मल लिया भाई, पूरा मेकअप हो चुका है यहाँ पर और हम निकलने के लिए तैयार। चलो बाकी मैं आपको व्यू दिखा रहा हूँ। तो फिर जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मेरे यहाँ से हो जाता है पैदल मार्ग शुरू, जो कि अब हम शुरू करने जा रहे हैं थोड़ी देर में, और यहाँ से सीधा रास्ता जाता है बस स्टैंड के लिए। तो अभी हम रुकते हैं फटाफट ब्रेकफास्ट करने के लिए और कुछ छोटा मोटा खाने के लिए, वो खाते हैं और उसके बाद ट्रैक करते हैं स्टार्ट। ये देखो मेरे भाई लोग पहले से सेट हो चुके हैं यहाँ पर ऑलरेडी, तो भाई जी खिलाएंगे आज नाश्ता और फिर हम चलेंगे इस रास्ते के थ्रू यमुनोत्री धाम पर। तो चलो फिर मिलता हूँ मैं आप लोगों से आगे, अभी के लिए कड़ा। तो अभी जैसा कि बोर्ड के हिसाब से हम 1 किलोमीटर चल चुके हैं, कि जहाँ से हमने शुरू करा था वहाँ से 6 किलोमीटर था और अब यहाँ से है 5 किलोमीटर। श्रद्धालु बहुत ही ज़्यादा तादाद में अवेलेबल है आज, छोटे बड़े बूढ़े बच्चे हर तरीके के लोग अवेलेबल हैं, मतलब यात्रा कर रहे हैं, तो बहुत ही बढ़िया सीन चल रहा है यार, देख सकते हो मेरे पीछे। चलो चलते रहते हैं और देखते हैं कैसा रहता है माहौल और कितना मजा आता है, चलते रहिए मेरे साथ। तो फिर दोस्तों अभी ऑन एंड अराउंड हम लोग 2.5 किलोमीटर कवर कर चुके हैं और यहाँ से हमारा जैसे पीछे बोर्ड है 3.5 किलोमीटर रह जाता है यमुनोत्री धाम। तो बाकी मज़ा बहुत आ रहा है,
ऐसे ही चलते रहते हैं, मैं आपको रास्ता दिखाता रहता हूँ। रश बहुत ज़्यादा है, ट्रैक अभी तक तो डिफ़िकल्ट नहीं है, ईजीली करा जा सकता है। तो आइए हमारे साथ बाकी जर्नी भी इंजॉय करिए और मज़े करते हैं। बाकी लीजिए मेरे दोस्तों एक्सपीरियंस। हाँ भाई धीरज, कैसा रहा एक्सपीरियंस? सब अभी आ रहे हैं, सब बताने सब बता रहे हैं। कैसा रहा मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस? बढ़िया है, ट्रैक डिफिकल्ट नहीं है बिल्कुल भी, कोई भी कर सकता है नॉर्मल। आओ इंजॉय करो, मज़े करो वेदर का। और भाई आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा अभी तक का? बहुत बढ़िया अभी तक, भीड़ थोड़ी ज़्यादा है लेकिन सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर जैसा कि आपने एक्सपीरियंस सुना, सबके लिए मॉडरेट है, आप सब कर सकते हैं। बाकी चलिए जैसा बोला एंजॉय करते हैं आगे ट्रैक। यहाँ देखिए भाई पूरा ट्रैफिक जाम हो रखा है, लेकिन ये श्रद्धालुओं का ट्रैफिक जाम है भाई। चल गया ट्रैफिक, रनिंग ट्रैफिक है, आप रुकेंगे नहीं, चलते रहेंगे। ये देखिए दोस्तों, जैसे कि ऊपर जाने के लिए दो मार्ग है, एक जहाँ से खच्चर वगैरह जा रहे हैं सीधा सीधा जो आगे से जा रहा है, और एक दूसरा मार्ग हमने यहाँ से लिया है और अब हम यहाँ से इस तरफ से ऊपर की तरफ जाएंगे। तो ये पुराना रास्ता है, थोड़ा डिफिकल्ट है और थोड़ा सा लंबा है, बट इन सब खच्चरों से आप बच सकते हो और आराम से शांतिपूर्वक चढ़ाई करके यमुनोत्री धाम में पहुँच सकते हो। तो चले अब की बार ये वाला रास्ता लेते हैं, कम ट्रैफिक होगा, मज़ा भी आएगा, मज़ा तो आ ही रहा है जैसा कि मैं बोल ही रहा था। तो चलते रहते हैं इस रास्ते से, बाकी आपको दिखाता हूँ। चलो फिर जैसा कि अभी मैंने दिखाया था कि हम लोग दूसरा रास्ता ले रहे हैं, बिकॉज़ उस रास्ते पे बहुत ज़्यादा भीड़ और बहुत ज़्यादा लोग हैं। बट भाई अभी हम सिर्फ 200 से 300 मीटर चढ़े हैं और रास्ता है पूरा स्टीप, बहुत डिफ़िकल्ट है ये वाला, बट शांति अपार, अल्टीमेट पीस। बाकी भाई कैसा लग रहा है इस रास्ते में तुझे? नहीं भाई, मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा। नीचे से आओ, बढ़िया हो, यहाँ से मत आओ। हाँ भाई आप बताओ। बढ़िया है भाई, शांति इज इम्पोर्टेंट राइट? शांति के लिए तीर्थ स्थल नहीं करते भाई, शांति के लिए ही होता है तीर्थ स्थल भाई। नहीं भाई, दर्शन के लिए। तो भाई अगर शांति चाहिए, डिफिकल्टी से कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, तो फिर ऑप्ट फॉर दिस वन, अदरवाइज द यूजुअल रूट जो कि नया वाला है उससे जाइए। ये थोड़ा सा लंबा भी है, बाकी जैसे कि हम चलते जा रहे हैं रास्ता तो आपको साथ साथ दिखाता चल ले रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, तो आपको आइडिया लगता ही रहेगा। तो चलते रहिए, लेट्स कंटिन्यू द जर्नी। तो भाई यहाँ इसने कर दिए हैं दब के कलेश। ये जो लड़का है इसे चला जा नहीं रहा है, इसके 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 खुल गए घोड़े। ये रास्ता बहुत बेकार है, मत आओ इस रास्ते पे। एक बात बता, एक मिनट दिखाना कैमरा, एक मिनट दिखाना भाई, ये देखो, एक सेकंड रुको, इसे ये देखो भाई, ये इस रास्ते में कोई नहीं है ऊपर तक,
ठीक है भाई, ना नीचे कोई जबरदस्ती क्यों बनना तीतर तीतर बनने वाली बात नहीं है भाई, आते हुए नीचे आते हुए इससे आ जाएंगे। अरे भाई कोई बात नहीं भाई, उसने नीचे बोला लोमड़ी वोमड़ी घूम रही है भाई, ले गया कोई मेरे साथी को, मैं क्या करूंगा, ये मेरे को तो नहीं उठाएगा लोमड़ी। लेकिन इसका भाई बात ये नहीं है, बात ये रास्ता है डिफिकल्ट और इसके खुल गए घोड़े, तो ये कह रहा है 500 मीटर नीचे चलो 1.5 किलोमीटर ऊपर चलने की बजाय, तो बस क्या कर सकते हैं भाई, दोस्ती यारी निभानी है तो नीचे जाना ही पड़ेगा, तो चलो फिर यार नीचे भाई ऊपर से नीचे आ गए तो ही इज द कल्प्रिट फॉर नाउ, कोई दिक्कत नहीं है ब्रो, हैंड्स अप, कोई फायदा नहीं है भाई तीतर बनने में, बस भाई बस भाई हो गया, आराम से ऊपर पहुंचो दर्शन करो, वापसी शांति का ट्रैक चाहिए, खीर गंगा जाओ, पच्चर नहीं चलते वहाँ। तो चलो भाई लोगों, हम दोबारा तो जा रहे हैं वापसी सेम रास्ते पे जहाँ से पूरी दुनिया जाती है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। एक बारी में बिना रुके नीचे भाई नीचे तो एक बारी में आते भाई रुके, एक बारी में नीचे आएंगे, नीचे आने में रुकना थोड़ा पड़ता है भाई, 500 मीटर नीचे जाएंगे भाई, इतने में तो हम मैं यमुनोत्री धाम पहुंचाते जब तू नीचे डिसीजन ले लेता तो चलना। चलो फिर मेन रास्ते पे ज्वाइन करते हैं। भाई जी थोड़ी सी जगह मिल जाएगी निकलने के लिए, ओ भाई दोस्तों अभी हमने ये वाला शॉर्टकट लिया था यहाँ से, तो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, तो अपने हिसाब से सोच समझ के आएगा, अगर डिफिकल्ट ट्रिप में यू आर केपेबल इनफ तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर क्या प्रॉब्लम्स क्लाइंबिंग और ट्रैकिंग करने में तो फिर ये नॉर्मल रास्ता ही अपनी कंसिडरेशन में ले। तो फिर अभी आप लोग देख सकते हैं मेरे बैक साइड में, तो ये है भैरव बाबा जी का मंदिर, और यहाँ से करीबन 1 से 1.5 किलोमीटर का रास्ता और रह जाता है, तो फटाफट दर्शन करते हैं भैरव बाबा जी के और उसके बाद निकलते हैं यहाँ से आगे, तो जय भैरव बाबा जी। चलो तो फिर फाइनली अब हम लोग पहुँच चुके हैं यमुनोत्री धाम में, और अब हमें जाना है यहाँ से मंदिर और दर्शन करने, फिर निकलना है वहाँ से वापस, तो पहले चलते हैं स्नान करने के लिए, तो यहाँ पर एक गर्म पानी का स्रोत है, तो वहाँ पे जाके फटाफट स्नान करते हैं, फिर जाएंगे दर्शन करने के लिए, और उसके बाद हम निकलेंगे वापसी की तरफ।
तो फिर अब हम जा रहे हैं गर्म पानी के स्रोत की तरफ और वहाँ पर करते हैं स्नान और उसके बाद जाएंगे मंदिर दर्शन करने। तो यह रास्ता गर्म पानी के स्रोत की तरफ, यहाँ पर आपको भाप भी आती है दिख रही होगी नीचे से, तो चले बाकी मैं दिखाता हूँ आपको इसके बाद मंदिर। तो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ वीडियो बंद। तो फिर दोस्तों अब हो चुके हैं हम तैयार नहा धो के अच्छे से गर्म पानी के स्रोत में, बहुत आनंदमयी स्नान कराया हमने आज और मज़ा ही आ गया है। अब हम जाएंगे प्रसाद लेने और उसके बाद मंदिर के दर्शन के लिए। तो भाई लोग कैसा मज़ा आया गर्म कुंड में? गर्म कुंड निकलने का मन ही नहीं कर रहा था भाई। तो फिर चलो चलते हैं प्रसाद लेने, मिलता हूँ मैं आपसे आगे मंदिर के दर्शन में। तो फिर बाय बाय टाटा फॉर नाउ। तो फिर अब फाइनली हम मंदिर भी पहुंच चुके हैं, आप देख सकते हैं मेरे पीछे की तरफ बहुत ही बढ़िया मंदिर है, बट रश बहुत ज़्यादा है। तो आ रहे हैं थोड़ा आराम से चलें, बाकी डिफ़िकल्टी ऐसी तो कुछ खास नहीं है, नॉर्मली ट्रिक है और मज़ा आने वाला है। तो आइए इंजॉय करिए, दर्शन करिए और मैं यहाँ करता हूँ अपने ब्लॉग की समाप्ति। तो फिर बाकी आपको मंदिर का दर्शन कराता हूँ और आपसे मिलेंगे किसी और नई वीडियो के साथ इसके बाद। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।